कौन अखिलेश यादव? सपा वाले। अब उनकी सोच के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, मैं सुनता हूँ कि काफी पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, मुख्यमंत्री भी शायद वही रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को मद्देनजर सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच विवाद देखने को मिल रहा है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने बयान जारी किया था, जिस पर अब छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि उनकी सोच के लिए क्या कह सकता हूं। लेकिन इसी बीच उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे अखिलेश यादव को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया कौन अखिलेश यादव, जिसको लेकर उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अखिलेश यादव का बयान आया है कि उन्होंने कांग्रेस को चिरकुटों की पार्टी कही है, क्या कहेंगे इस पर? ये कौन अखिलेश यादव? सपा वाले। अब उनकी सोच के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, मैं सुनता हूँ कि काफी पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, मुख्यमंत्री भी शायद वही रह चुके हैं, तो उनके बयान के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। बाबा अगर राज्य में बयान आया, अखिलेश यादव का बयान आया है कि उन्होंने कांग्रेस को चिरकुटों की पार्टी कही है, क्या कहेंगे? देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 3 दिसंबर को इन चुनावों का परिणाम घोषित होगा। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव 2023 में होने वाला है। इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया के 2 दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को मद्देनजर सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा में विवाद देखने को मिल रहा है। इस बात पर अखिलेश यादव ने एक बयान जारी किया था। इस पर कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि उनकी सोच के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, वो काफी पढ़े लिखे हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह डाला कि अब लोकसभा चुनाव के दौरान सीट बंटवारे और गठबंधन पर वो विचार करेंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस ने उनके साथ जैसा व्यवहार किया है वो भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कैसे गठबंधन होगा हम देखेंगे। अगर पता होता कि कांग्रेस ऐसा करने वाली है तो हम अपने लिस्ट ही नहीं देते और न ही उनका फोन उठाते। विवाद के बाद अखिलेश यादव ने सपा उम्मीदवारों के 22 नामों की दूसरी लिस्ट को जारी कर दिया है। दरअसल अखिलेश यादव को भरोसा है कि मध्य प्रदेश की कई सीटों पर सपा मजबूत है और उनके उम्मीदवार यहाँ जीत दर्ज कर सकते हैं। ये कौन अखिलेश यादव? सपा वाले। अब उनकी सोच के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, मैं सुनता हूँ कि काफी पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, मुख्यमंत्री भी शायद वही रह चुके हैं।